दोस्तों साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी पद से खुद को अलग कर लिया है। कोहली ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। कोहली ने लिखा कि 7 साल से भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी करना शानदार रहा। दोस्तों बता दें कि कोहली ने कप्तानी छोड़ते हुए लिखा है कि मैंने 7 साल तक टीम इंडिया को सही दिशा में ले जाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और कुछ भी नहीं छोड़ा। सभी चीज़ें एक समय पर आकर रुक जाती हैं। मेरे लिए भी अब बतौर टेस्ट कप्तान रुकने का यही समय है। दोस्तों बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के बाद कोहली ने T20 टीम की कप्तानी भी छोड़ दी थी। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले BCCI ने कोहली को वनडे टीम की कप्तानी पद से हटा दिया था। दोस्तों बता दें कि कोहली 2014 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के बाद टेस्ट कप्तान बने थे। वे टेस्ट में टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान हैं। उन्होंने 68 टेस्ट मैच में टीम इंडिया की कप्तानी की है और इसमें से 40 में टीम जीती है। 17 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है और 11 मैच ड्रॉ रहे हैं। दूसरे नंबर पर MS धोनी हैं, जिन्होंने 60 टेस्ट में कप्तानी की है और इसमें से टीम इंडिया 27 मैचों में जीती है। वहीं 18 में भारत को हार का सामना करना पड़ा है और 15 मैच ड्रॉ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।